जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिनके भी ट्रेड के टेस्ट थे वो समाप्त हो चुके हैं और अब सबको इंतज़ार है, तो वो है केवल आपके रिजल्ट का कि सर कब तक हमारा रिजल्ट जारी होगा और कब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कब हमारा मेडिकल होगा। और कुछ अफवाहें भी ऐसी चल रही है, अब पता नहीं वो अफवाह है या सच है क्या है, इन सब चीज़ों पे अपन आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा आपके ट्रेड को टेस्ट के लेके कि ट्रेड के टेस्ट जो अभी फिलहाल हुए हैं वो किस प्रकार से गए हैं। देखो दोस्तों, लगभग लगभग सबसे एक सही रेशियो था ट्रेड टेस्ट का और एक समान ही हर जगह से ट्रेड के टेस्ट हो रहे थे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो हुई ड्राइवर के टेस्ट को लेके, क्योंकि ऐसी चीज़ पहली बार डाली गई थी कि उनसे जो गाड़ियां हैं वो स्टार्ट नहीं हो रही थी किसी फॉल्ट की वजह से, और वो फॉल्ट कैंडिडेट के पकड़ में नहीं आया पहले दिन कि एक्चुअल में जो गाड़ी में दिक्कत है वो क्या है। क्योंकि ये जो ट्रेड के टेस्ट में अब की बार पहली बार ही ऐसा करवाया गया था कि गाड़ी आपसे पहले चलवा के देख रहे थे स्टार्ट करके कि आप गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाइए। नहीं, हमेशा पहले जब भी ट्रेड का टेस्ट होता था गाड़ियाँ आपको स्टार्ट मिलती थी और केवल आपको जो भी ऑप्टिकल है वो आपसे कंप्लीट करवाए जाते थे और जो भी गाड़ी के फॉल्ट वगैरह हैं वो आपसे पूछे जाते थे। ये समस्या काफ़ी विद्यार्थियों के साथ में यहाँ हुई है। तो कुल मिला के आपका ट्रेड का टेस्ट है सबका अच्छा गया है, और इस बात की चिंता भी मत करना कि गाड़ी मेरे से स्टार्ट नहीं हुई तो मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा। देखो दोस्तों, ट्रेड के टेस्ट में वैसे फेल कोई नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं कि इस जो भी अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ें हैं उन हिसाब से आपके नंबर डिवाइड किए जाते हैं। और इसी प्रकार जैसे बैंड का आपका टेस्ट था, बैंड से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपसे बजवा के देखे गए थे और जो भी इंस्ट्रूमेंट की सामान्य जानकारी है वो भी अधिकारियों के द्वारा आपसे पूछी गई थी कि ये इंस्ट्रूमेंट किस काम में आता है, ये इसके कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। और जो उच्च अधिकारी थे वही आपसे ये चीज़ें यहाँ पे करवा रहे थे, ऐसा नहीं है अधिकारी खुद इसका सुपरविजन कर रहे थे और खुद ही वो टेस्ट ले रहे थे। अब रही बात बाकी जो GD के कैंडिडेट हैं और आपके टेली कम्युनिकेशन के कैंडिडेट हैं, उनका सबका सवाल अब यही है कि सर रिजल्ट क्या होगा। और एक अब वो अफवाह है, पता नहीं क्या है, एक मैसेज भी वायरल हो रहा है जो आप सबने देख भी लिया होगा। दोस्तों, अगर आप भी SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं और उस भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए बाज क्लासेस के साथ में। बहुत ही शानदार फैकल्टी है और फीस केवल नाम मात्र की फीस है, और फीस इतने की आप सोच भी नहीं सकते। उस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं बाज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। अब दोस्तों, रही बात आपके रिजल्ट की, रिजल्ट को लेके कल शाम से खबर चल रही है कि सर रिजल्ट नहीं आएगा क्या, रिजल्ट दिसंबर में आएगा या भर्ती पे रोक लग गई है। देखो दोस्तों, मैंने हमेशा आपको एक ही बात बोली है कि जब तक अपने पास में ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं आता या कोई आदेश वगैरह नहीं आता, अपन नहीं मान सकते कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। हो सकता है हो भी जाए, अपने पास में आदेश अभी नहीं आया हो या अपने सामने ऐसा कोई आदेश नहीं आया हो, अपन पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ऐसी कोई भर्ती आप मुझे बता दो कि जो कोर्ट में नहीं गई हो या बिल्कुल साफ सुथरी यहाँ पे भर्ती हुई हो। दोस्तों, जब भर्ती प्रक्रियाएं चलती है तो ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भर्ती कोर्ट में चली गई या अंतरिम जो परिणाम है उस पर रोक लगा देना या भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा देना या नियुक्ति पे रोक लगा देना, ऐसी चीजें चलती रहती है और इसके चक्कर में आपको पढ़ना भी नहीं है। आपको जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है मेडिकल की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उस पर पूरा पूरा ध्यान लगाना है। मैंने पहले भी जब आप फिजिकल के लिए इंतजार कर रहे थे, आपके फिजिकल के कॉल लेटर नहीं जारी हुए थे, इसी प्रकार आपके एग्जाम के कॉल लेटर, तो इन चीज़ों को आपको नहीं देखना है। आपको केवल अपने टारगेट पे ध्यान रखना है कि हाँ मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मेडिकल पे मेरे कोई कमी वमी तो नहीं है, उनको मैं सही करा लूँ, कोई डॉक्यूमेंट तो सारे के सारे मेरे पास में पूरे हैं या उनकी मैं पूर्ति कर लूँ। अब दोस्तों, जो बाकी के कैंडिडेट हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए
क्योंकि कभी भी आपको अब बुलाया जा सकता है। और रिजल्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट मंथ में अगर कोई भी ऐसी अड़चन यहाँ पे नहीं आई तो नेक्स्ट जो भी आपकी 15 तारीख है उसके आसपास तक रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट अब निर्भर है आपके अलग अलग जो जिला यूनिट पे बोर्ड बनाए गए हैं उनके ऊपर निर्भर है। जैसे ही वो आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह के नंबर जोड़ के आपका रिजल्ट तैयार कर देते हैं तुरंत आपके रिजल्ट यहाँ पे जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। और एक सवाल था आप सबका कि सर क्या अब जीडी वालों का डीवी होगा उसके बाद में लिस्ट आएगी? ऐसा नहीं होगा। जो भी अब आपकी लिस्टें जारी होगी वो फाइनल रिजल्ट की यहाँ पे लिस्ट आपकी जारी होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आपके जैसे ट्रेड के टेस्ट हुए ड्राइवरों के या अदर ट्रेड के टेस्ट थे उनकी तरह आपको भी बुलाया जाएगा, पहले आपका डीवी किया जाएगा, फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी और फिर आपका मेडिकल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपकी जो लिस्ट अब आएगी फाइनल रिजल्ट की लिस्ट यहाँ पे जारी होगी, तो दिल थाम के बैठ जाइए आप भी। अब कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। एक भर्ती के भरोसे आप मत बैठे रहो, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट बचे हैं उनमें से अब जिनका सिलेक्शन होगा वो 3578 कैंडिडेट ही यहाँ पे रहने वाले हैं। अब किसका यहाँ पे भाग्य खुलता है, किसकी किस्मत यहाँ पे खुलती है वो देखेंगे। अभी कुछ दिनों की बात है, अगर इतने दिन आपने इंतजार कर लिया, इतने दिन आपने पेशेंस रख लिया तो कुछ दिन की बात हो रही है बस। ऐसी कोई विशेष परिस्थिति अभी तक बनी नहीं है आपके रिजल्ट को लेके कि आपके रिजल्ट को यहाँ पे डिले किया जाए। और विभाग के अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है, ऐसा किसी को अभी तक नहीं पता। और ऐसी चीजें बाहर आती भी नहीं है, किसी को पता नहीं चलता दोस्तों कि आपको एग्जैक्ट कोई तारीख बता दे कि उस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट मंथ में पूरी पूरी संभावना है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर ले ताकि आपको भी अपडेट मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।